नमस्कार दोस्तों, मेरी इस प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंवले की चटनी बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट हो बनती है। दूसरे बहुत हेल्दी होती है, इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। इसको आप कई तरीके से खा सकते हैं, जूस बना के पी सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं, जिस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं, आप इसको जरूर खाना चाहिए, आप जरूर खाइए इसको। सर्दियों के मौसम में ये बहुत मिलता है और बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए मैं आज आपको बनाना बताती हूँ। तो मैंने आधा किलो आंवला लिया है, 8-10 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है ये, और मुझे थोड़ा तीखा चटनी चाहिए इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, इसमें तीखापन नहीं है ज़्यादा। आप मिर्च आप कितना तीखा आपको खाना है उसके हिसाब से आप लीजिएगा। और जो मैंने सामान लिया है, मैंने कुछ देखिए एक मुट्ठी हाथ से करी पत्ता ले लिया है। अगर आपके पास है तो आप करी पत्ता जरूर डालिए, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। धनिया लिया मैंने एक बंच, इसको मैंने बड़ा बड़ा रफली चॉप कर लिया है। पुदीने की एक बंच मैंने ली थी पत्तियां, उसको भी मैंने इन सबको साफ करके धो के रखा हुआ है। आप पत्तियां जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने इसमें सामान लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने जीरा लिया है, एक पिंच मैंने जो है हींग ली है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, एक ही पिंच लेनी है आपको। पाउडर है तो भी एक पिंच लेनी है, गीली है तो भी एक पिंच लेनी है। एक चम्मच मैंने सौंफ लिया है, आधा चम्मच मेथी दाना लिया है, और एक चम्मच मैंने राई ली है, एक चम्मच उड़द दाल है, और आधा चम्मच धनिया है, खड़ा धनिया। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको आंवले को पीसेस में काटना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में आपको काटना है। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर जो बीज है उसको निकाल देना है, जो इस तरीके से रेड पार्ट आ रहे हैं इनको भी निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बीजों को निकाल कर फेंक देंगे और छोटे छोटे पीसेस इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आंवले के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और मिर्च को भी बीच से काट लिया है, ताकि हम जब तेल में डालें तो मिर्च फटे नहीं। तो आप इसको जब भी मिर्च डालिए तो टुकड़े करके डालिए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चमचा तेल डाल दिया है, मैंने सरसों का तेल डाला है, आप नारियल का तेल का जो भी आप तेल खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर हम ये राई के दाने डाल देंगे। राई जैसे ही चिटकने लगती है हम इसके अंदर जीरा, हींग, सारे जो खड़े मसाले हमने लिए थे इनको डाल देंगे और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मेथी, सौंफ, उड़द दाल, इनको हम थोड़ा सुनहरा होने तक भून लेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे इनको भूनेंगे। एक बार आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाता है उसके बाद आप मसाले डाल के बिल्कुल धीमी आंच पे इनको भूनिए। अब मैं इसके अंदर ये लाल मिर्च भी डाल दूंगी। सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। और साथ में ये करी पत्ता भी डाल देंगे। अब इसी के साथ हम ये आंवला भी इसके अंदर डाल देंगे। आंवला डालते ही इसके अंदर हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और नमक डालेंगे, जिससे आंवला अच्छे से गल जाए। हम इस तरीके से पका के जब आंवला बनाते हैं तो जो आंवले का कसैलापन होता है वो भी इसमें ख़त्म हो जाता है और चटनी का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप कोई भी नमक इसके अंदर डाल सकते हैं। नमक मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि आंवला और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा आंवला का जो खट्टापन होता है उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप अभी मैंने इतना डाला है, बाद में पीसने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए, नमक कम हो तो और नमक डाल के पीस सकते हैं।
इन सबको मिक्स कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा आंवला अच्छे से पक ना जाए, दबने ना लगे। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल धीमी आंच पे अब 2 से 3 मिनट में आंवला हमारा पक जाता है। मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, बीच बीच में मैं खोल के चलाती रहूंगी। ढक्कन लगाने से वो भाप में आंवला जल्दी मुलायम हो जाएगा, जल्दी से पक जाएगा। और बीच बीच में हम इसको खोल के चलाते रहेंगे। 4 मिनट हो गए हैं, मैं इसको खोल के दबा के देखती हूँ। बीच बीच में मैंने चलाया दिखा इसको, एक टुकड़े को आप इस तरीके से लेके हाथ से दबा के देख लीजिए, ये अच्छे से दब रहा है, मतलब ये अच्छा बन गया है, चटनी पीसने लायक हमारा हो गया है। अब हम इस समय गैस कर देंगे बंद और इसी में हम गरम गरम में ही ये धनिया की पत्तियाँ और ये पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे, डाल के मिक्स कर देंगे। अगर इस तरीके से आप धनिया और पुदीने की पत्तियाँ गरम गरम में डाल देंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा भुन भी जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने साउथ में जितनी भी चटनी लोग बनाते हैं, मैंने यही देखा है कि वो धनिया की पत्ती और पुदीना भी तेल में अच्छे से ऐसे ही डाल के फ्राई कर लेते हैं, उसको मुलायम कर लेते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो गैस बंद करने के बाद गरम गरम उसमें धनिया की पत्ती और पुदीने को डाल सकते हैं ताकि वो इसके साथ ही थोड़ा मुलायम हो जाए। इसको चला देंगे, चला के इसको थोड़ा सा ढक देंगे। उसके बाद जब हम इसको ठंडा कर लेंगे उसके बाद ही इसको पीसेंगे। ढकेंगे इसलिए क्योंकि इसमें हमने अभी पुदीना और धनिया की पत्ती डाली है तो थोड़ा उसकी भाप मिल जाए। उसके बाद हम 2-3 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे पंखे की हवा में, उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमने फ्राई किया था सब बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम मिक्सी का इस तरीके का जार लीजिए आप और इसके अंदर डाल के हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने चटनी को पीस लिया है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं डाला है। आप ऐसे ही इसको पीसिए, हल्की दरदरी करके पीसिए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिना पानी के अगर आप पीसते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक आपकी चलती है, आप फ्रिज में रख के इसको 20 से 25 दिन तक इसको खा सकते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसको अपने घर में बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए कैसा बना है। और पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने परिवार में शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।